हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स का। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो डाला था वो जनरली मैथ्स का था, आज मैं फिजिक्स का वीडियो डाल रहा हूँ। पहला ये लेंस का है, डिराइव करना है आपको लेंस फार्मूला। तो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन पे चलने से पहले आप यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें यदि आपको कोई डाउट होता है। चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसका, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म अ रियल इमेज। आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। लेंस फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, बताइए आप लोगों को, ये टेंथ में भी आप लोगों ने करा होगा। तो टेंथ में डेरिवेशन ही था, अभी आपको डिराइव करना है। एक लेंस बना लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, और चूंकि हमें रियल इमेज चाहिए था तो एफ के बाद ही रखना है, एफ डैश के बाद रखना है, तो एफ डैश और 2f डैश के बीच में रख लिया। आप आगे भी रख सकते हो कहीं पे भी। तो हमने एफ डैश रखा, एक रे ऑफ लाइट लिया पैरेलल, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, फोकस से। इफ एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस, ये हमारा रूल है। सेकेंड रूल है, इफ एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज थ्रू स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ से अपने डाल देना, ये हमारा ए डैश बी डैश होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज बन गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ। इसमें ट्राइंगल बिल्कुल ध्यान से लेना है, मेन ट्राइंगल लेना है कि इमेज के साथ ओ को लेना है और ऑब्जेक्ट के साथ ओ, मतलब ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, ट्राइंगल ले लिया। एंगल बी डैश जो था आपका बी डैश और बी, ये 90 होगा और एंगल ये ओ जो होगा वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ए डैश ओ बी डैश और यहाँ पे ए बी ओ, ये आपका वर्टिकली अपोजिट हो गया। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाई डबल ए सिमिलरिटी, और ये वर्टिकली अपोजिट से हो गया और ये आपका ईच 90 है। उसके बाद आपने सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम पढ़ा होगा मैथ्स में, तो सिमिलर यदि है तो उसके साइड के रेशियो इक्वल होगा, देन ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, एक दोनों का बेस ले लिया यहाँ से है और ये दोनों का, उसके बाद दोनों का जो ए डैश बी डैश अपने लिया और बेस लिया, ओ ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ओ बी डैश अपॉन बी ओ। सिमिलरली हमने क्या करा, जिस तरह से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करा था हमने, सेम हमने एक और ट्राइंगल ले लिया, उस ट्राइंगल में लिए थे एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ले लिया कि सिमिलर होगा, और इनके साइड का रेशियो भी हमने ले लिया कि दोनों का साइड का रेशियो जो है वो सेम प्रोपोर्शंस में होगा, सेम प्रोपोर्शंस में है, तो एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ और एफ बी डैश अपॉन ओ एफ, लिख दिया एम ओ, ये जो एम ओ है वो इक्वल होगा ए बी के, तो इन दोनों को इक्वल ले सकते हो, तो एम ओ इक्वल टू ए बी, तो आपने एम ओ के बदले में ए बी लिखना है और बाकी ये सब एज इट इज। अब आप देखो कि इक्वेशन नंबर आपका जो 1 और 2 है, इसका एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो आपने लिख दिया ओ बी डैश अपॉन बी ओ इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ, लिख दिया। इसमें सारा जो पॉइंट है वो ओ से है, क्योंकि आपका साइन कन्वेंशन का पहला रूल है कि आर्बिट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर्स, तो एफ बी डैश को क्या लिख सकते हो आप, एफ बी डैश को ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ये अपॉन ओ एफ एज एज रीज रहेगा, ओ बी डैश एज रीज रहेगा अपॉन ओ बी, ये सब एज रीज रहेगा। अब यूजिंग द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ बी इक्वल टू माइनस यू, लेफ्ट साइड में जो होगा निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ओ बी डैश इक्वल टू बी, फोकल लेंथ इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू एफ प्लस एफ, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पीछे में हमने वैल्यू डाल दिया जो हमारा पीछे में था, ये जो वैल्यू था हमारा थर्ड इक्वेशन में, इन थर्ड इक्वेशन में हमने वैल्यू डाल दिया सबका, थर्ड इक्वेशन में वैल्यू डाल दिया फ्रॉम थर्ड, डालने के बाद ये हो जाएगा वी माइनस यू इक्वल टू वी माइनस एफ बाय एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, वी एफ इक्वल टू माइनस यू इंटू वी माइनस एफ
मल्टीप्लाई कर दो माइनस बी यू माइनस माइनस प्लस यू एफ, इसको इधर लेफ्ट शिफ्ट कर दो, इसको इधर लेफ्ट शिफ्ट कर दो, यू बी इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू बी एफ, दोनों तरफ आपने यू बी एफ से डिवाइड कर देना। डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे यू बी अपॉन में यू बी एफ, यहाँ पे यू एफ था तो यू एफ अपॉन यू बी एफ, और यहाँ पे वी एफ था तो वी एफ अपॉन यू बी एफ। यहाँ पे यू बी से यू बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यू से यू, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, वी से वी और एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाई यू। तो क्या देख रहा देखा आपने कि दिस वन बाय एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू आ गया, ये हमारा लेंस फार्मूला होता है। दिस प्रूव द लेंस फार्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस वेन इट फॉर्म अ रियल इमेज। देखा दोस्तों कि ये बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। यदि कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और छोटी मोटी डिफिकल्टी हो तो वीडियो को दोबारा चला के आप देख लीजिए, ठीक है, रिपीट करके देख लीजिए, जिससे आपका जो भी डाउट होगा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लिंक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है आपका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, थैंक यू।